पुलवामा हमले के बाद आतंक की हर कार्रवाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका ने भारत को जोर का झटका देने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी खत्म करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अपनी इस योजना की जानकारी अमेरिकी संसद को दी है। क्या है जीएसपी? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम है। इसके तहत अमेरिका विकासशील देशों में आर्थिक तरक्की के लिए अपने यहाँ बिना टैक्स सामानों का आयात करता है। अमेरिका ने दुनिया के 129 देशों को ये सुविधा दी है, जहाँ से 48 उत्पादों का आयात होता है। अमेरिका ने ट्रेड एक्ट 1974 के तहत 1 जनवरी 1976 को जीएसपी का गठन किया था। भारत के अलावा तुर्की के साथ भी अमेरिका ये कारोबारी संबंध तोड़ने की बात कर रहा है। अगर जीएसपी टर्मिनेट होता है तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपोर्ट्स को झटका लगेगा। एक्सपोर्ट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमें फॉरेक्स रिजर्व्स चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि डॉलर इंडियन रुपए के अगेंस्ट 74 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था, और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसलिए क्योंकि हमें फॉरेक्स रिजर्व्स चाहिए, डॉलर्स चाहिए, बढ़े हुए एक्सपोर्ट्स चाहिए, तो अगर जीएसपी इंडिया के साथ टर्मिनेट होता है तो इंडिया को कुछ हद तक नुकसान होगा। ट्रंप के इस फैसले की जानकारी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइजर ने दी है। क्या है पूरी कार्रवाई? राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से फैसले पर दस्तखत किए जाने के बाद 60 दिन का नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। जीएसपी समाप्त करने का यही लीगल तरीका है। भारत और तुर्की के करीब 2000 प्रोडक्ट्स हैं जो इससे प्रभावित होंगे। इनमें ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल वॉल्व और टेक्सटाइल मटेरियल शामिल हैं। भारत से अमेरिका ने $5.7 बिलियन का आयात बिना किसी टैक्स के किया था, जबकि तुर्की पांचवें स्थान पर था जहां से $1.7 बिलियन का ड्यूटी फ्री आयात किया गया था। लेकिन इस सब के बीच भारत का वाणिज्य मंत्रालय दावा कर रहा है कि इस रियायत के खत्म होने से खास नुकसान की आशंका नहीं है। वाणिज्य सचिव के मुताबिक पिछले साल भारत ने अमेरिका को $5.6 अरब का एक्सपोर्ट किया था। इसमें से केवल $190 मिलियन पर ही जीएसपी का फायदा मिला था। ऐसे में इन रियायतों के हटने से होने वाले असर का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो उनका हर तरीके से दोस्त है, हर चीज में उनके साथ है, और यूएस ने दूसरा एक और भी चीज करके देख ली है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर उन्होंने काफी लंबी चला के देख ली है। अब उसका इनडेप्थ एनालिसिस तो यही है, मैं खुद अपने मित्रों से बात करता हूँ यूएस में, यूरोप में, यूएस कुछ भी क्लेम करता रहे, चाइना के साथ ट्रेड वॉर ने यूएस को फायदा नहीं दिया है। 2017 में भारत विकासशील देशों में अकेला देश था जिसे जीएसपी के तहत सबसे ज्यादा फायदा मिला था। पिछले साल अप्रैल में अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो भारत और तुर्की को मिलने वाली राहत पर विचार करेगा, क्योंकि अमेरिका की कुछ डेयरी और मेडिकल कंपनियों ने शिकायत की थी कि इससे अमेरिकी कारोबार पर गहरा असर पड़ रहा है। भारत तुर्की पर कितना असर? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले से पहले कहा कि भारत ने हमें इस बात को लेकर भरोसा नहीं दिया कि वो अपने बाजार में भी हमारे प्रोडक्ट की पहुंच कहां तक और कितना आसान बनाएगा। तुर्की के बारे में ट्रंप ने कहा कि वहां की आर्थिक तरक्की को देखकर उसे विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं रख सकते। ट्रंप का ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत में आम चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये मुश्किल की वजह हो सकती है, क्योंकि उन्हें चुनावी माहौल में देश की आर्थिक तरक्की की चिंता सता सकती है। दूसरी ओर ट्रंप और तुर्की के प्रधानमंत्री अर्दोगन के बीच रिश्तों में खटास जग जाहिर है। वहां की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती जा रही है, साथ में वहां भी आम चुनाव है, इसलिए भारत और तुर्की दोनों देशों पर अमेरिका के इस फैसले का गहरा असर देखा जा सकता है।